नमस्कार, पब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। ल्यूमिनस स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली भी मौजूद है। बड़ी खबर आ रही है जहां पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया है। क्या बयान दिया है उन्होंने, बताएंगी अनामिका। चरणजीत सिंह चन्नी ने दरअसल बड़ा बयान ये दिया है कि हमारी सरकार बनी तो बाघा बॉर्डर खोल देंगे। बड़ा बयान दिया गया और कहा गया है कि हमारी सरकार बनी तो बाघा बॉर्डर खोल देंगे, पाकिस्तानी भारत में आ सकेंगे। ये बड़ा बयान दिया गया चुनाव के ठीक बीचों बीच, जिस तरीके से चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है, सिर्फ आखिरी चरण बचा हुआ है। इसके पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया और कहा गया है कि जिस तरीके से अगर सरकार बनी कांग्रेस की, इंडी गठबंधन की, तो बाघा बॉर्डर खोल दिया जाएगा और पाकिस्तान के लोग भारत आ सकेंगे। ये बयान तब दिया गया है जब चुनाव जो है आखिरी दौरे पहुंच चुका है, सातवें चरण का चुनाव बस बचा हुआ है। इसके पहले कांग्रेस नेता का ये बड़ा बयान, जिसको लेकर सियासत लगातार जारी है। मैनिफेस्टो मैं थोड़ा दस रहा कि असी मेडिकल टूरिज्म जलंधर बढ़ावा देना, इतने बहुत स्कोप है। बाहर के लोग आके इतने इलाज कराना चाहते है। असी बाघा बॉर्डर खोल के जिन्ना इस पास का मेडिकल लोग सहूलत चाहिए, वो इतने आराम आके पाकिस्तान तो या होर ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਮਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂ PGI ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਮਸ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया है उस पर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का जो प्रेम है वो उभर करके सामने आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है, वार पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस का पाक प्रेम जग जाहिर है और एक बार फिर से कांग्रेस का प्यार उमड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से। और ये भी कहा गया कि मोदी के रहते बॉर्डर कभी नहीं खुल सकते। तेजेंद्र बग्गा ने ये बड़ा बयान दिया है और निशाना साधा है कि कांग्रेस का जो पाक प्रेम है वो सबके सामने आ गया है। ये पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का प्यार नया नहीं है। आपने 2004 से 14 के अंदर देखा होगा किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। मुंबई के अंदर बम धमाके हुए, कसाब आया। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर बम धमाके हुए, दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर में करोल बाग के अंदर बम धमाके हुए, जयपुर के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए, देश का कोई कोना ऐसा अछूता नहीं था जब बम धमाके नहीं होते थे और पाकिस्तानी जब चाहे मन करता था भारत के अंदर आके हमले करते थे। लेकिन फिर भी इसके बाद कांग्रेस जागी नहीं। आज कांग्रेस फिर से उनका पाकिस्तानी प्रेम उमड़ रहा है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चरणजीत चन्नी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम बॉर्डर खोल देंगे। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और किसी की औकात नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को खोल सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई है। सृष्टि, पीओके के ऊपर जो पार्टी स्टैंड नहीं ले पाती है वो पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम दिखा रही है, वोटर्स तो भारत में है पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम? बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस पार्टी पहली बार नहीं है कि पहली बार इस तरीके की टिप्पणी की गई हो। मणिशंकर अय्यर ने अभी कुछ दिन पहले किस तरीके की बात यहां पर की थी एटम बॉम्ब को लेकर कि आराम से बात करनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर, इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया था और सीधे तौर पर आड़े हाथ कांग्रेस को लिया था कि इतना प्रेम आखिरकार बार बार पाकिस्तान के लिए कांग्रेस पार्टी का क्यों उभरता है। सातवां चरण अभी बाकी है और इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान आना कि बॉर्डर खोल दिया जाएगा, यानी कि क्या कांग्रेस पार्टी की मंशा यह है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल देंगे। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर नीति बहुत क्लियर है कि आतंकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा कि कितने बड़े बड़े हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए और कैसे पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हालांकि ये वही दल है जो
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगा करते थे कि आप सबूत पेश करिए कि कहां पर आपने स्ट्राइक की है, कैसे आपने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब चुनावी दौर में जब आखिरी चरण बचा हुआ है, उस दौर में पाकिस्तान का ये प्रेम जो उमड़ रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसे लेकर बीजेपी लगातार सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिरकार कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस चाहती क्या है। ये वो देश है जो आतंक को पालता है, पोसता है और उसके बाद वो हमले करता है। अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की पुरजोर कोशिश की है कि पाकिस्तान को किस तरीके से, जैसे वो आतंकवाद फैलाता है या फिर घाटी में किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और बार बार भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन हमारे ही देश में ये वो दल है जो लगातार पाकिस्तान प्रेम अपना दिखाते रहते हैं, चाहे वो एटम बम की बात करने की बात हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। तमशुते तमाम जानकारी के लिए बढ़ते खबरों में आगे। और अब तेजस्वी यादव के इस बयान की जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने दरअसल ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बैंकर्स बनाना है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से पीएम मोदी को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बेड रेस्ट पर लाना। तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव जो खुद आजकल व्हीलचेयर पर प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो खुद कमर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इस बीच उनकी ओर से पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की जाती है और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी को बेड रेस्ट पर लेकर के आएंगे। तो देखिए, चुनाव के बीच प्रचार को लेकर जो स्तर है भाषा का, वो गिरते गिरते इस स्तर पर जा पहुंचा है जहां पर पीएम मोदी की सेहत लेकर के भी ये बड़ा बयान दिया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आप कि आपको चोट है, कम से कम 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। डेली सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के कम से कम 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। दर्द ना हो, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट लेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट देंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि रजावत जुड़ गए हैं। अंजलि, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ चुनावों में किया जा रहा है? भाषा का एक स्तर होता है प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल। अंजलि, आवाज मिल रही है आपको? अंजलि, दरअसल बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि हमेशा ही देखा जाता रहा है अभी तक तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, यानी कि एक मर्यादित पद के लिए इस तरह की टिप्पणियां की जाती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह का बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, जहां एक और हर कोई, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो, एक दूसरे के मंगल स्वास्थ्य की, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया था और उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरे बेड रेस्ट की बातें की जा रही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि किसी की जिंदगी में भी ऐसा कोई समय ना आए जब उनको बेड रेस्ट करना पड़े। मैं पूरे देश के लिए, सबके लिए मंगल कामना करता हूं, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का तेजस्वी यादव के उस बयान को लेकर के, क्योंकि बिहार में सियासी जंग तो देखी जा रही है मीनाक्षी और अनामिका, लेकिन ये सियासी जंग इस मोड़ पर पहुंच गई है कि किस तरह की टिप्पणी कहां पर करनी है। जब तेजस्वी यादव ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है बेड रेस्ट की, और ये बेड रेस्ट तब करेंगे जब तक पीएम नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करवा देंगे, इस तरह की अब बयानबाजी जब सामने आती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी पलटवार इस बयान को लेकर के किया जा रहा है। लेकिन चुनाव के दरमियान हम देखते हैं इस तरह के सियासी तीर चलाए जाते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है, लेकिन इस किस तरीके की भाषा की बात की जा रही है, इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब कोई देख रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया तो सियासी भूचाल आ गया। बिहार से लेकर के दिल्ली तक लगातार इस बयान को लेकर के चर्चाएं हो रही है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर करप्शन किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। क्या कह दिया है ऐसा पीएम मोदी ने जिस पर मच गया है घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। तो क्या तेजस्वी यादव के जेल जाने की तारीख तय हो गई है?
क्या 4 जून के बाद तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव के साथ लालू सलाखों के पीछे होंगे? बिहार की माटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए इस बयान ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। 7वें चरण का चुनाव होने से 5 दिन